एक और बड़ी खबर आ रही है, विजयलक्ष्मी जरा बता दें, एससीओ मीटिंग पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है पाकिस्तान, यानी कि एससीओ के जो भी इसमें तय होती हैं बातें उसको लेकर वो प्रतिबद्ध है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए इसको लेकर भी इस ट्वीट में कहा गया है। तो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई अपने इंटरव्यूज में ये बताने की कोशिश की थी कि वो रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। तो एक आप ट्वीट देख रहे हैं शहबाज शरीफ का जो उन्होंने ट्वीट किया है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के विदेश प्राइम मिनिस्टर हैं और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इस वक्त वो आए हुए हैं भारत के दौरे पर, और पाकिस्तान डिसीजन टू अटेंड एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग इज द रिफ्लेक्शन कि वो कमिटेड है कि पूरा का पूरा जो एससीओ का जो चार्टर है जिसमें कि दोनों जो सदस्य देश हैं उनके बीच ट्रेड्स हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो या फिर तमाम जो इश्यूज हैं उसको लेकर जो बातचीत होती है उसको लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पाएंगे इंडिया टीवी पर कि किस तरह से जो पाकिस्तान का विमान है बिलावल भुट्टो को लेकर लैंड हुआ है और अब से थोड़ी ही देर बाद एयरपोर्ट से उनका काफिला अब आगे रिजॉर्ट के लिए निकल जाएगा जहां पर यह मीटिंग हो रही है। यही वो विमान है जिसके जरिए करीब 12 बजे बिलावल भुट्टो कराची से उड़ान भरे थे। एक बार फिर से विजयलक्ष्मी के पास चलते हैं। विजयलक्ष्मी, जो शहबाज शरीफ की ओर से जो ट्वीट किया गया जिसमें वो बात करें, क्योंकि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जहां पर पाकिस्तान पहुंचा है, क्योंकि यहां पर जो उसका चार्टर है वो सभी सहयोगी देशों को मानना पड़ता है और यही वजह है कि ये कोई बायलैटरल इंडिया के साथ किसी टॉक्स के लिए नहीं आए या फिर समिट के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल, और यही बात शायद बिलावल भुट्टो ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने यही बात पर जोर भी दिया कि एससीओ एक इम्पॉर्टेंट फोरम है और यही बात बताने के लिए, जताने के लिए वो भारत आ रहे हैं एससीओ की समिट में शिरकत करने के लिए। और जिस तरह से आपने कहा अमित, ये एक मल्टीलेटरल फोरम है, इसमें 8 मुल्क हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, तो एक बड़ा एक बुके है काफी सारी एशियन कंट्रीज का, उसमें रूस भी है, उसमें चाइना भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है और तमाम मिडिल ईस्ट एशिया के कुछ और भी कंट्रीज हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आगे किस तरह से इस बैठक से यहां पर रूपरेखा तय होगी, इस बैठक में इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी और मल्टीलेटरल फोरम है तो उसमें सिक्योरिटी से लेकर के तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, इंटर कनेक्टिविटी कैसे हो, ये तमाम चीजों पर इस जो मीटिंग है उसमें चर्चा होगी। और जिस तरह से भारत के पास अध्यक्षता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर किया कि भारत का जो एजेंडा है वो सिक्योर एससीओ जो हो उसको लेकर के भारत काम करेगा कि कैसे ये जो एससीओ है, ये जो पूरा वो है उसको लेकर के कैसे वो सेफ जोन रहे, तो इसको लेकर के इससे पहले समरकंद में मीटिंग हुई थी और अब एससीओ का जो इस साल का जो फाइनल मीटिंग होगा, जो समिट होगा, वो जो है स्टेट ऑफ द हेड लेवल मीटिंग होगा जो जुलाई में होगा, दिल्ली में होगा, तो उसमें तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं तमाम देशों के, एससीओ कंट्रीज के, वो आएंगे। और आगे यहां से एससीओ की अगर बात की जाए तो उसकी आगे की रूपरेखा तय होगी, लेकिन क्योंकि चाइना इसका सदस्य है, रशिया इसका सदस्य है और रशिया और रूस यूक्रेन में जिस तरह के युद्ध के हालात बने हुए हैं, चाइना का जिस तरह से एलओसी को लेकर के हमारे साथ विवाद है, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस पूरे रीजन को एक तरीके से इफेक्ट करते हैं और शायद इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जब ये बैठक होगी तो ये तमाम मुद्दे जो हैं इन मुद्दों को उठाया जाएगा, चाहे फिर वो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति हो या फिर रूस और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट की जो चीजें हैं, जो बातें हैं, वो तमाम जो है जब डिस्कशन होगी, तमाम जो विदेश मंत्री हैं जब बैठे डिस्कशन के लिए, तो इन तमाम चीजों पर जो है बातचीत जो है इन तमाम मुल्कों के बीच में होगी। तो जिस तरह से मल्टीलेटरल फोरम है तो मल्टीलेटरल चीजें, जब पूरा रीजन जो है वो कैसे सेफ सिक्योर हो उसको लेकर के बातचीत होगी, लेकिन जो बायलेटरल बातचीत होगी वहां पर दोनों देशों के बीच के संबंधों को लेकर बातचीत हो सकती है, जैसे भारत और चीन के बीच में बायलेटरल बातचीत होगी, भारत और रूस के बीच में बायलेटरल बातचीत होगी, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में बायलेटरल बातचीत होगी, तो वहां पर जरूर चर्चा होगी कि कैसे उन दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको लेकर के क्या कंटेंशियस इशू हैं या कैसे दोनों देश आगे जाना चाहते हैं। तो जहां तक एलएसी के विवाद की बात है, जब भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से होगी तो उम्मीद है कि इन सब चीजों पर चर्चा शायद उस बैठक के दौरान, उस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता को लेकर अभी किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जो मल्टीलेटरल फोरम पर जिस तरह की चर्चा है, जिस तरह का
एससीओ चार्टर है या जिस तरह के डिस्कशन एक मल्टीलेटरल फोरम में होने चाहिए, वो उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा जो है वो यहाँ पर होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।